नमस्कार, मैं हूं मुस्कान असवानी और आप देख रहे हैं देश का लोकप्रिय चैनल प्राइम टीवी। एक सिख जिसकी खोज में पूरी पंजाब पुलिस लगी हुई थी, लेकिन सफल नहीं हो पा रही थी और उसके चर्चे पंजाब के हर गली से लेकर हर एक एक मोहल्ले तक में थे, लेकिन वो कहां था किसी को पता नहीं। एक अकेला शख्स जिसके चलते पूरा पंजाब तनाव में था, पर वो कहीं छिपा हुआ था, लेकिन अब वो आखिरकार गिरफ्तार हो चुका है। हैरानी की बात तो ये है कि उसे पुलिस ने खुद नहीं ढूंढा, बल्कि उसने खुद ही सरेंडर किया है। वो कोई बड़ी हस्ती नहीं, एक मामूली ट्रक ड्राइवर है। जी हाँ, हम आपको बताने जा रहे हैं अमृतपाल सिंह के बारे में, जिसके नाम की गूंज पंजाब में ही नहीं विश्व के कोने कोने में सुनाई दी है। ये रिपोर्ट देखिए। वारिस पंजाब दे संगठन का मुखिया, एजेंसी दा बंदा है अमृतपाल सिंह। अमृतपाल का आदर्श है भिंडरावाले, कट्टर पंथ को बढ़ा रहा अमृतपाल। अमृतपाल को मिल रहा किसका समर्थन? अमृतपाल सिंह पंजाब के संगठन वारिस पंजाब दे के मुखिया हैं और खालिस्तान समर्थक हैं। आपको बता दें कि अमृतपाल सिंह का जन्म अमृतसर में साल 1993 में हुआ था। इनके पिता का नाम तरसेम सिंह है। अमृतपाल सिंह ने अपनी 12वीं तक की ही शिक्षा पूरी की है। अमृतपाल सिंह महज 19 साल की उम्र में ही काम करने के लिए दुबई चला गया था, जिसके बाद वो पूरे 10 साल तक दुबई में ही रहा। दुबई में वो ट्रांसपोर्ट का बिजनेस करता था। सन 2022 में अमृतपाल पंजाब लौटा और 2022 में ही वारिस पंजाब दे संगठन का हिस्सा बन गया। साथ ही ब्रिटेन की एक एनआरआई लड़की किरणदीप कौर से शादी कर ली। अमृतपाल सिंह भले ही आज वारिस पंजाब दे का प्रमुख है, लेकिन इस संस्था की शुरुआत एक्टर दीप सिंधु ने की थी। दीप सिंधु की मौत पिछले साल एक सड़क हादसे में हुई। दीप सिंधु की मौत के बाद ही अमृतपाल सिंह को वारिस पंजाब दे संगठन का मुखिया बना दिया गया। अमृतपाल सिंह खुद को आध्यात्मिक नेता बताता है। अमृतपाल सिंह का कहना है कि वो युवाओं को ड्रग्स के जाल से बाहर निकालेगा। इसके बाद से ही अमृतपाल सिंह की फैन फॉलोइंग काफी बढ़ गई। अमृतपाल सिंह के सिर्फ पंजाब में ही नहीं, बल्कि भारत के अन्य हिस्सों में भी काफी तादाद में फॉलोअर्स हैं। अमृतपाल ने पंजाब में कई धार्मिक यात्रा चलाई और ग्रामीण युवाओं को जोड़ने लगा। आपको बता दें कि अमृतपाल सिंह खालिस्तानी समर्थक जर्नैल सिंह भिंडरावाले को अपना आदर्श मानता है और खुद भी जर्नैल सिंह भिंडरावाले की तरह ही हुलिया रखता है। वही जर्नैल सिंह को इंदिरा गांधी की सरकार के दौरान ऑपरेशन ब्लू स्टार में मार गिराया गया था। अमृतपाल सिंह तब सुर्खियों में आया जब वो 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के समर्थन में उतर आया। अमृतपाल सिंह से पहले दीप सिंधु को किसान आंदोलन के दौरान गणतंत्र दिवस पर हिंसा के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। प्रतीकात्मक रूप से एक गैर अनुयायी सिख और भारतीय जनता पार्टी का पूर्व समर्थक दीप सिंधु ने अपने भाषणों के जरिए सुर्खियां बटोरी। अमृतपाल सिंह और दीप सिंधु लगातार कृषि कानूनों को सवालिया निशान बनाते रहे। बता दें कि किसान आंदोलन को खालिस्तान के पुनरुत्थान से जोड़ने के लिए एक सुनियोजित राजनीतिक अभियान चलाया जा रहा था, जो कि विवाद का कारण बना। दीप सिंधु एक कट्टरपंथी था। उसने किसानों और पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर 26 जनवरी 2021 को लाल किले पर खालसा का झंडा फहराने का आयोजन किया, जहां उसे गिरफ्तार कर लिया गया। अब हैरान करने वाली बात यह है कि उस पर NSA के तहत कोई आरोप नहीं लगाया गया। दीप सिंधु के फॉलोअर्स बढ़ने लगे और लोग उसका समर्थन करने लगे, जिसके बाद राज्य की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक समस्याओं को जानने के लिए और हल करने के लिए उसने सितंबर 2021 में वारिस पंजाब दे संगठन का गठन किया। वही दीप सिद्धू की मौत के बाद अमृतपाल सिंह ने संगठन की जिम्मेदारी संभाली।
चूंकि अमृतपाल सिंह किसानों और कट्टरपंथियों का समर्थन करता था, वो किसानों के आंदोलन में शारीरिक रूप से भी शामिल हुआ। कट्टरपंथी लोगों, पंजाब के कट्टरपंथियों और पाकिस्तान के इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ने उसकी पहचान खालिस्तान आंदोलन के संभावित नेता के रूप में की और उसे कथित तौर पर आईएसआई ने ओरिएंटेशन के लिए जॉर्जिया भेजा। अमृतपाल सिंह ने शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सहयोग से अमृत प्रचार यात्रा निकाली, जहां उसने सिखों को अमृतधारी सिख बनाया और उनसे पूर्ण रूप से सिख सिद्धांतों का पालन करने का आग्रह किया। उसके भाषण दिन ब दिन उग्र होते गए और उसकी एक अलग छवि बनती गई। पंजाब में लोकप्रिय धारणा ये थी कि अमृतपाल सिंह एजेंसी दा बंदा है। पंजाब में एजेंसी शब्द का तात्पर्य सरकार और उसकी खुफिया एजेंसियों से है। ऐसा मानना है कि अमृतपाल सिंह कई बार जेल जाने से बचा है। कई बार उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए थी पर नहीं हुई। सबसे पहली बार जब अमृतपाल भारत आया तब एनएसए के तहत उस पर मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर लेना चाहिए था। इसके बाद एनआईए ने आतंकी संगठनों और गैंगस्टरों की जांच के लिए 2022 और 2023 में पंजाब में कई छापेमारी की थी। उस दौरान भी अमृतपाल की गिरफ्तारी नहीं की गई। ऐसे में धारणा बनने लगी कि छोटे राजनीतिक लाभ के लिए इस तरह की नीतियों को बढ़ावा दिया गया। दरअसल पंजाब में कट्टरपंथ और खालिस्तान आंदोलन को बढ़ावा देने से राज्य सरकार की आलोचना हो सकती थी, जो कि दूसरी पार्टियों के लिए फायदेमंद साबित होता। आप सरकार भिंडरावाले की पृष्ठभूमि और 2015 के बरगारी बेदबी मामले को देखते हुए प्रतिक्रिया के डर से निष्क्रिय हो गई थी। इस मामले में शिरोमणि अकाली दल और उसकी आभासी धार्मिक शाखा एसजीपीसी ने अमृतपाल को मौन समर्थन दिया। तो अभी आपने अमृतपाल की कहानी को देखा और सुना कि किस तरीके से एक मामूली सा युवक जो है वो एक बड़ा जो पंजाब की राजनीति में है भूचाल ला देता है और कहीं ना कहीं पंजाब पुलिस भी उसे ढूंढने में नाकामयाब साबित होती है। आखिरकार एक लंबे इंतजार के बाद या यूं कहें कि लंबे छापेमारी के बाद अमृतपाल सिंह ने खुद ही अपने आप को सरेंडर किया, जिसके बाद पुलिस अब उसे गिरफ्तार कर चुकी है। हमारी खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरो।